एक तरफ तो सरकार सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की बात कर रही है और सख्ती से कार्रवाई करने के लिए भी हिदायत सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को दे रखी है, लेकिन आज भी दबंग लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, आज हम आपको दिखाते हैं जिला अमरोहा का सिकंदरपुर गांव, जहां की 4 बीघा भूमि पर दबंग लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि इस जमीन पर ग्राम पंचायत के लिए कोई न कोई ऐसी चीज बननी चाहिए थी जिससे गांव के लोगों को लाभ होता, लेकिन कई बार शिकायत के बावजूद भी कब्जा हट नहीं पाया है। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र भी इस गांव की जरूरतों में शामिल है, जो इस गांव को आज तक नहीं मिल पाया। बताते चलें कि लगभग 2500 से ज्यादा की आबादी वाला ये गाँव स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है, तो पानी की टंकी का निर्माण भी इस गांव की जरूरतों में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस गांव में 15 ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के हकदार हैं, लेकिन उन लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। पानी की निकासी की व्यवस्था भी इस गांव की एक समस्या है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो है ही नहीं, और इसके साथ ही पंचायत घर भी यहाँ पर नहीं है। ऐसी स्थिति में इस गांव के विकास की बात करना संभव नहीं है। जब तक मूलभूत सुविधाएं गांव को नहीं मिलती, गांव का विकास नहीं हो सकता। जबकि सरकारें हमेशा गांव के विकास का वादा करके अपनी सरकारें बनाती रही हैं, लेकिन गांव आज भी वहीं दिखाई दे रहे हैं जहां काफी समय पहले हुआ करते थे। ग्राम प्रधान रामराज शर्मा, ग्राम सिकंदरपुर, पोस्ट बुढ़ेना, जनपद अमरोहा, ब्लॉक अमरोहा। मेरे गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। गांव के समस्त कच्चे रास्ते हैं, जिन पर कि जल निकासी का व्यवस्था सही नहीं है। रास्तों में पानी भरा रहता है, आए दिन पानी की समस्या के कारण लोग बीमार रहते हैं, जिससे एलर्जी हो जाती है पैरों में और हाथ पैरों में, और एलर्जी हो जाती है। और पानी की निकासी के लिए नाला वगैरह सड़कें बनवाई जाएँ। मेरे यहाँ राज्य वित्त और चौदह वित्त की किस्त बहुत छोटी आती है। 9-10 साल से पूर्व प्रधानों ने कोई कार्य नहीं कराया ताकि जिससे विकास हो सके। जितना पैसा आता पूरा गांव में लगा देता हूं और समस्त अधिकारियों को भी हम लोगों में कराता हूं। और मेरे यहाँ किस्त आई भी है, जिसमें 50 आदमियों की दूसरी किस्त मिल चुकी है। 80 आदमियों का शौचालय तैयार है, जिसमें सेक्रेटरी ने अभी दूसरा चेक नहीं काटा। पैसा आए वो लगभग 2 महीने हो गए। मुझे 130 शौचालय मिले थे, जिसमें मेरे 130 तैयार हैं, और 30 शौचालय बाद में मिले, जिसमें कि सेक्रेटरी से अनबन होने के कारण वो उनको अवैध मानना है, जबकि वो जायज़ हैं, द्वारा उनकी जांच करा ली जाए। सेक्रेटरी से मेरे जो अच्छा व्यवहार न होने के कारण मेरे काम से उसका ट्रांसफर करा दिया जाए, ताकि गाँव में का विकास हो सके। और मेरे स्कूल में की व्यवस्था नहीं है, मेरे स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए ताकि मेरे गांव के व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। और गांव की ग्राम पंचायत की जगह पर कुछ अवैध रूप से कब्जा कर रखा, स्कूल की जगह पर भी कब्जा कर रखा, उनको हटवाया जाए। महोदय, प्रार्थना पत्र देता हूं तो मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं फोर्स से रिटायरमेंट आदमी हूँ, ज़्यादा पंगा लेना नहीं चाहता, ताकि मतलब मेरे लोग पुलिस का आदमी बहुत कम प्रधान बन पाता है। मैं व्यवहार और अच्छा काम होने के कारण मेरे गाँव वालों ने प्रधान बनाया, उसके मुताबिक मैं खड़ा नहीं उतर पा रहा, ताकि मेरे विकास। हाँ जी, खाना बढ़िया बनवाऊंगा। जानी चाहिए और मैन गेट लग जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नुकसान करते हैं, और बाउंड्री ऊंची होनी चाहिए। ये खंडर बिल्डिंग है, ये सही हो जानी चाहिए।